खबरों की नई पहचान। जामताड़ा के कर्मटान थाना के छायगढ़ स्थित SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में दीवार में सेंधमारी करके लाखों के सामानों पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक मोहम्मद तस्लीम ने बताया कि चोरों द्वारा लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी सहित कई जरूरी उपकरणों की चोरी कर ली गई। घटना की सूचना सुबह पुलिस को दी गई। संचालक मोहम्मद तस्लीम ने बताया कि रोज की तरह मंगलवार को संध्या के समय अपना CSP बंद कर घर को चले गए थे। जब सुबह सुबह लोगों ने दीवार में सेंधमारी देखा तो तस्लीम को सूचना दी। उसके बाद जब तस्लीम अपने केंद्र पर पहुंचा तो पाया कि पीछे के दीवार में 2.5 फीट का सेंध लगाकर चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने उन्हें इसकी सूचना दी। मालूम हो कि सोमवार को भी इसी थाना क्षेत्र के कुरवा रोड में SBI के संचालक नारायण पंडित से अज्ञात 2 हथियारबंद अपराधियों ने 90,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लोगों का कहना है कि कर्मटान थाना की पुलिस द्वारा इस इलाके में कभी पेट्रोलिंग नहीं की जाती, जिसके कारण अक्सर लूट और चोरी जैसी घटनाओं से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। कब पता चला और क्या क्या यहाँ से वारदात दिया गया? सुबह में जब हम आए पापा मतलब, तो उसके बाद आदमी पापा को बोला कोई गुलाब का बैंक में चोरी हो गया, काट दिया सीन। तो जब हम लोग दौड़ करके आए तो देखे कि सारा सामान इधर उधर छिटा था, और टूटा भी था यहाँ सामान, दीवार भी टूटा था। देख रहे कि ये सब इन्वर्टर, बैटरी और प्रिंटर मशीन और कुछ दस्तावेज ले लिया है। किसी पे शक या फिर पूछे सर? अभी इस पर शक करेंगे, अभी तो उस तरह से बात नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में बार बार हो रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे और शुरुआती जांच में क्या पता चल रहा है आपको? अभी कुछ देर पहले सूचना मिला कि सुखदेवी में एक सिंह काट करके इन्वर्टर की चोरी की गई है। सूचना के आधार पर हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं। बार बार इस तरह की घटना करने के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, प्रयास मेरा जारी है। बार बार इस तरह की घटना कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक CSP में इस तरह की घटना घटी, फिर यहाँ पे घटना घटी, 2-3 बार हो गया बाबू। हाँ, इस तरह घटना घट रही है, तो देखते हम लोग भी इसके लिए हम लोग खुद है ना चिंतित हैं। हम लोग को शर्मिंदा है कि हमारे क्षेत्र में घटना बार बार की जा रही है। इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें, EVM पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। VVPAT चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में आपके विश्वास को मजबूत करने का प्रयास है। माँ कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मार्केटिंग यार्ड सिलरी, टेक्निकल के दौर में थ्योरी से कैसे चलेगा काम, इसीलिए हम दे रहे हैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की बेहतर व्यवस्था। ट्रेड अवेलेबल फीटर इलेक्ट्रीशियन, संपर्क करें माँ कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मार्केटिंग यार्ड सिलरी। उज्जवल भविष्य के लिए चुने KDM स्कूल पाठड़ी धनबाद, क्लास नर्सरी से 10 तक छात्रों के लिए फैसिलिटी, स्कूल में प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, डांस क्लास, एक्सपीरियंस टीचर, एडमिशन ओपन। KDM स्कूल पाठड़ी सुदामडी सिंदरी रोड धनबाद। आवर फोन नंबर ऑन योर TV स्क्रीन।
न्यूज़, खबरों की नई पहचान।